खुद ही तो हूँ, एक कमी थी जिंदगी में, हर कदम हर मोड़ पर एक दिन खुद को पुकारा, इल्म को आवाज दी, सुना सा कुछ नया सा, एक नगमा गूंज उठा, अपने पे ईमान आया, अपने पे आया यकीन, पा लिया है मैंने जिसको, खुद ही हूँ खुद ही तो हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ठाकुर और दुबे एक कारपेट फैक्ट्री के मालिक हैं। यहां काम करने वाले राधापुर बस्ती के बच्चों का न सिर्फ आर्थिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी शोषण किया जाता है। ठाकुर साहब अपनी जाति जिंदगी में भी उस वक्त अन्याय के पक्षधर साबित होते हैं जब अपनी पत्नी सुधा को छोड़कर वो दूसरी शादी करते हैं। पति की उपेक्षा से आहत सुधा को सहारा मिलता है अपनी माई का और उसके भविष्य की दिशा निर्धारित होती है कारपेट फैक्ट्री में काम करने वाली लक्ष्मी से हुई उसकी मुलाकात के बाद। शिक्षा का महत्व समझने वाली सुधा फैक्ट्री में काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल खोलने में कामयाब तो हो जाती है, मगर उसका यह कदम अनजाने में ही उसे ठाकुर और दुबे के खिलाफ ले जाता है। अब आगे। अब हम तो आपकी बात मान भी ले बहन जी, पर ये लक्ष्मी का बापू उसका कोई तोड़ नहीं है। पर तुम उससे बात तो करो, देखो बच्चों को स्कूल भेजो, मैं तुमसे फीस तो नहीं मांगती ना। अब लड़के तो बहन जी हमारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? अब कमाते हैं तो चार खर्चे अपने भी करने लगे हैं। अच्छा तुम लक्ष्मी को तो भेजो, उसके बापू से बात तो करो। कब करें, सुबह से निकल जाता है, रात को धुत आता है, तब तो वो भगवान की भी ना सुने, जोरू की क्या सुनेगा। देखो बहन जी, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, घर वाला कमाता नहीं तो बच्चों की कमाई खानी पड़ती है, दुनिया की किताबों से पेट नहीं भरता, बच्चों का स्कूल में दाखिला करवा देंगे तो खाएंगे क्या। आप हमारी चिंता छोड़ दो बहन जी। कैसे छोड़ दो, ये लक्ष्मी आए दिन बीमार रहती है, जानती हो क्यों? 12 घंटे बैठकर काम करती है, हाजमा बिगड़ गया है, ना खेलना ना कूदना, आंख और अलग दर्द करती है, तुम्हें ये सब नहीं दिखता क्या? अगर इतनी नाजुक थी तो गरीब के घर क्यों पैदा हुई? ठीक है बहन जी, लक्ष्मी को भेज दूंगी, जब तक इसके बापू से छिप सकेगा छिपाऊंगी। बहन जी आप अगर हमारी मदद करना चाहती हैं तो। हाँ हाँ बोलो। तो हमारा बाजी मेहनताना दिलवा दो, अब मालिक लोग 10 के 5 देते हैं, अगर कमाई ठीक हो तो आगे की भी सोचे। अच्छा देखती हूँ, चलो तू कल स्कूल जरूर आ जाना। अच्छा तो A for apple, B for ball, C for egg। अब इसके बाद क्या आएगा? D। अब आप लोग लिखो, चलो जल्दी जल्दी लिखो, तुम लोग D लिखो, एकदम सुंदर सुंदर सा D लिखो। नहीं बेटा ऐसे नहीं, देखो इधर आओ, ऐसे बताओ, देखो ऐसे किया और इसके बाद एक गोला बना दिया ऐसे। हाँ ये हो गया क्या दी। अब तुम यहाँ पे लिखो दी। हाँ तुम देख के लिखो इसको। ले बैठो, लक्ष्मी नहीं आई? नहीं बेटा, ये दी चिटनी इधर लाओ। आओ आओ, अरे आ जाओ ना। और ऐसे ना, चलो शाम प्रदीप आना दीदी, ये भी पढ़ेंगे। अच्छा आओ आओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ।
यहाँ बैठो तुम और तुम यहाँ। शाबाश। अरे आगे माई, देखो ये दोनों नए आए हैं, ये दोनों भी पढ़ेंगे माई। अच्छा तुम जल्दी से इनके लिए स्लेटे ले आओ। अरे भाई 118 नंबर नहीं, 113 नंबर निकालो। कारी अकड़ से खाली बैठे हैं, काम हो नहीं रहा, सीधे लेके जाना। सर पिछले महीने के अकाउंट्स का सारा बिल हम ऑफिस में रख दिया हूँ। हमेशा बिल की बात करते हो, कभी वर्क ऑर्डर भी लेकर आया करो। सर हम वर्क ऑर्डर तो ले आऊँ, लेकिन क्या है ना, वर्क ऑर्डर पूरा करने के लिए वर्कर की जरूरत पड़ती है ना। वी विल नीड वर्कर फॉर इट सर। क्यों भाई, हमारे सब कारीगर मर गए क्या? सर रोज 5-6 कारीगर छुट्टी पर चले जाते हैं, इसलिए काम से सफर करता है ना, दिक्कत आती है ना सर। लेकिन ये अचानक लेबर की प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों गई है? ये प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सर कुछ रीजन है, मजबूर हूँ सर। मजबूर होने के लिए नहीं रखा गया तुम्हें यहाँ पर। ठाकुर सर को बता दे क्यों नहीं प्रॉब्लम। देखो विक्रम, तुम पार्टनर हो यहाँ पर, तुम्हें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। यार दुबे आखिर बात क्या है? देखो विक्रम, सुधा का इन दिनों बस्ती में आना जाना काफी बढ़ गया। बच्चों को स्कूल ले जाने का एक जुनून है, उनके माँ बाप को भड़काने का शौक। अब तक तो हम किसी तरह से चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ आंख मिचोली करते रहे, बचते रहे, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? सुधा का तो इन सब बातों में कभी कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और ये सब हो रहा है स्कूल चलाने की आड़ में, बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है, हमारा बिगाड़ते। तुम्हारा मतलब ये सब मेरे खिलाफ साजिश? मतलब तो तुम मालूम करो विक्रम, मिलो बात करो। आप पे खूब सज रहा है ठकुराई। सच? हाँ तो मैं ये दोनों रख लेती हूँ। ठकुराई जी ये देखिए। मैं तो कहूँ ये मोती वाला हार भी रख लीजिए, ठाकुर साहब देखकर मगन हो जाएंगे। अच्छा आप आ गए, देखिए मैंने अपने लिए क्या पसंद किया है। ठाकुराई जरा इसे पहनकर तो देखिए। क्यों संतो, अच्छा लग रहा है ना? बहुत खूब। इतना शेर था, ये शेर जो था ये तो बहुत बदमाश शेर था, ये सारे जानवरों को पकड़ लेता था, किसी को खा लेता था। तो एक दिन गिलहरी वहां से उछलती कूदती गाना वाना गाते हुए वहां से आ रही थी। शेर ने देखा, ओ गिलहरी आ रही है, ये मेरे सामने गाना गा रही है। उसने उसको डांट दिया बहुत जोर से, गिलहरी तो रोने लगी। उसने जाके अपने सारे दोस्तों को बता दिया कि ये तो बहुत गंदा शेर है, इसने ना मेरे को ऐसे ऐसे किया था, डांटा था। तो सबने बोला अच्छा अब हम क्या करें। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, हम लोग ना इस शेर को पकड़ लेते हैं और इसको एक जाल में बंद करके, जिसे मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना, उसमें इसको बंद करके और हम लोग इसको पेड़ के ऊपर उल्टे ही टांग देंगे। और धूप में जब ये पढ़ा लेंगे, कोई जबरदस्ती है क्या? हमारी मर्जी के बिना कैसे पढ़ाएंगे? रोजी रोटी से ज्यादा जरूरी नहीं है पढ़ाई। सर क्या हो रहा है? ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ, मैं लक्ष्मी का बाप हूँ, इसे यहाँ से ले जाने आया। मगर क्यों? क्यों? क्योंकि इनके यहाँ आने से इनकी कमाई बंद हो गई है, क्योंकि इतने सालों से सदी हुई उंगलियाँ बुनाई करेंगी, लिखाई नहीं। आप तो इन्हें बहका के यहाँ ले आएंगे, पर उनकी धमकी और जुर्म तो हमें झेलने पड़ते हैं ना। रहने दो अब्दुल, हम यहाँ जिरा करने नहीं आए हैं, बच्चे हमारे हैं और हम इन्हें लेके जाएंगे। हाँ हाँ, बेशक आपके हैं, पर ये तो बता दीजिए कि किसने धमकाया, किसने जुल्म किया? सुनिए, अरे दीपा, दीपा समझाओ, दीपा बोलो कौन है? वही मालिक लोग। चल यहाँ से, चल मैं करूँ। अरे सुनिए, चल यहाँ से, चल आराम से, आराम से, चल मेरे साथ, चल, चल। सुनो, इसे पढ़ने दो, यहाँ मत ले जाओ, अपनी जिंदगी तो मिट्टी हो गई, कम से कम इसे तो कुछ बन जाने दो। चुप कर, और आप भी कान खोल कर सुन लो, 10 बात की एक बात यह है कि बच्चे कल से आने आएंगे, और आप भी अगर बस्ती की तरफ ना आओ तो अच्छा रहेगा। चल अब्दुल। अरे चल, अरे बस दीपा सुनिए, चल। सो जा बिट्टू, रात बहुत हो गई। ये सब क्यों अपने बच्चों के दुश्मन है माई, मेरी बात क्यों नहीं समझते? सब समझते हैं, पर जाहिल है ना, क्या आगे कुछ सोचता ही नहीं।
पर माई, लक्ष्मी तो इतनी होशियार लड़की है, माई अगर उसे मौका मिल जाए ना तो वो... नहीं, और बच्चे भी होशियार है। अरे जब इस उम्र में हम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख गए तो फिर इनको क्या मुश्किल है। पर माई, इन्हें समझाएं कैसे? जन्म से जानवरों की तरह काम करते आए हैं ये लोग, कभी हाथ में पूरे पैसे मिले ही नहीं, भरपेट खाना नहीं मिला ना तो इनकी सोच भी आधी रह गई। जितना काम ये इन जालिमों के लिए करते हैं, अगर ये अपने लिए करते। अपने लिए? तुम ठीक कहती हो माई। क्या ठीक कहती हो माई? इन्हें अपने लिए ही काम करना चाहिए, ये गरीबी तो इन सबकी जड़ है। अगर अच्छा कमाएंगे तो बच्चों को मजदूरी पर क्यों लगाएंगे? देखो माई, हुनर इनके हाथ में है, मेहनत ये लोग करते हैं, बस इन्हें अपना काम करने की देर है। तुमने बिल्कुल ठीक सुझाया है माई। अरे मैंने क्या सुझाया, जरा मैं भी तो सुनूं। रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। ठीक है जी। हाँ अच्छा, ऐसा है, आप मुझे आधे घंटे तक फोन कीजिएगा। जी हाँ, हाँ मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। ओके जी, राइट। हाँ तो बताइए सुधा जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? शर्मा जी, मुझे पता चला है कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, बैंक लोन्स देता है और लोग अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IRDP के प्रोग्राम ग्रामीण विकास के लिए ही शुरू किए गए हैं। इससे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के कारीगरों को मदद मिल सकती है और हस्तशिल्प बढ़ई रंगाई जैसे कामों के लिए सरकार 12,000 रुपये तक का लोन मंजूर करती है। सुधा जी, आपको तो मुझसे अधिक जानकारी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक शर्त है। लोन लेने वाले को अपने काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए, यही ना? जी हाँ। और इसके लिए किसी भी जमानत या गारंटी की कोई जरूरत नहीं है? अब मैं कुछ ना ही कहूँ तो मुनासिब होगा। वैसे एक बात बताइए, आपने क्या इस पर थीसिस लिखी है? जी नहीं, बस थोड़ा सा पढ़कर आई। यही तो बात है, हमारे पास तो हजार स्कीम्स हैं, हम तो पैसे लेकर बैठे हैं पर कोई आए तब ना। अच्छा खैर, आप बताइए कब शुरू कर रही हैं अपना काम? शर्मा जी, मैं ये लोन अपने लिए लेने नहीं आई हूँ, राधापुर बस्ती के लोगों का मैं एक कोऑपरेटिव खुलवाना चाहती हूँ। आपने नाम तो सुना होगा। जी, ये बस्ती कालीन बनाने वाले लोगों की है, अभी ये लोग कहीं और काम करते हैं, बच्चे बूढ़े सभी हर तरह के शोषण के शिकार हैं, पूरे पैसे नहीं मिलते। और तो आप बैंक से लोन उनके लिए लेने आई हैं? जी हाँ, और मुझे उम्मीद है कि पारत आएगी। आप मंथली किश्त बांध दीजिए, वक्त पर लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप अगर मुझे वो फॉर्म्स दे दें तो। जी हाँ। धन्यवाद, मैं चलती हूँ, आपका बहुत समय लिया। हेलो, हाँ दुबे साहब, नमस्कार जी। जनाब मैं शर्मा बोल रहा हूँ बैंक से। तुमने सुधा से बात की? तो क्या मुहूर्त निकलने का इंतजार कर रहे हो? हम कब जगेंगे, जब फसल कट चुकी होगी तब? ठीक है, कर लूंगा बात। हमारी गृह दशा वैसे ही खराब चल रही है, ये वर्कर्स की प्रॉब्लम, उसके बाद ये कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गया, अब ये सुधा, अगर ये कोऑपरेटिव चल निकले तो। यार दुबे, एकदम घास खा गए हो तुम तो। अरे अगर ये 4-6 मजदूर मिल भी गए तो क्या ये हमारे सामने टिक पाएंगे? जब हमें इतनी मुश्किल हो रही है तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? उम्मीद में बड़ा दम होता है विक्रम, 4 थके हुए बुझे हुए मजदूर जब हमारे लिए काम करते हैं वो एक बात है, और वही मजदूर सजग उत्साही होकर अपने लिए काम करेंगे दूसरी बात, तो दोनों बातों में बहुत फर्क है। पर तुमने तो बैंक मैनेजर से बात कर ही ली है ना? हाँ, वो तो भला हो शर्मा का जो उसने तुरंत फोन कर दिया, वरना हम तो अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। कुछ भी कहो दुबे, बट आई थिंक वी आर ओवर रिएक्टिंग। हर हवा के झोंके को आंधी नहीं समझ लेना चाहिए।
तुम तो सुधा को 12 साल से जानते थे, क्या तुम कभी सोच सकते थे कि इन हालात में वो अपने आप को, अमृता को ऐसे संभाल पाएगी? घर की चारदीवारी से निकलकर सबके सामने अपनी बात कह सकेगी? उन्हें कमजोर मत समझो विक्रम, उनके पास जोश है, जुनून है, और अब शायद बस्ती के लोग भी। बहन जी, ये आपने बहुत अच्छा किया जो ये फार्म ले आई, पर इन लोगों की समझ में कुछ आए तब ना। भाई देखो, इसमें तुम लोगों का ही फायदा है, अच्छी तरह से सोच समझ लो। और क्या, बहुत खून चुसवा लिया अपना और अपने बच्चों का, अब पूरी जिंदगी इन मालिकों की गुलामी तो नहीं लिखवा करके आए हैं ना? देखो भाई, सीधी सी बात है, अपना काम करोगे तो 4 पैसे भी बचेंगे, किसी की दाद धौस नहीं सो अलग, और बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। हा? बिना पढ़े लिखे ही तो ये दुर्दशा है, वरना इन मालिक लोगों की का भी साथ। ठीक कहता है हीरा, बहन जी हम सब इस काम के लिए तैयार हैं। तुम सब लोग तैयार हो ना? हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो ठीक है, ये फॉर्म भरकर इन्हें कल शाम तक जमा करा देना। लो। अब ये काम भी आप ही करें बहन जी, यहाँ कौन कलम घसीटा बैठा है जो इस फार्म की बात को समझेगा। ठीक है, तो मैं ये फॉर्म भरकर जमा करा देती हूँ, लेकिन एक बात है, आप लोगों को हर हाल में मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। मुझे बस यही सुनना था। कैसी हो सुधा? ठीक। आप इतनी दूर से इस वक्त सिर्फ मेरा हालचाल पूछने तो नहीं आए? ना, मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया हूं तुम अपनी ये नेतागिरी छोड़ दो। किस अधिकार से? देखो सुधा, हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं। फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर भी कोई कुछ कर सकता है, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। सही गलत, नियम उसूल, फर्ज ईमान, ये सारे शब्द तो आपके लिए बेमानी हैं। मैं यहाँ तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ। मैंने भी आपको यहाँ नहीं बुलाया है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, पर एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हारी नाराजगी मुझसे ये हमारा निजी मामला है, लेकिन दुबे और हमारी फैक्ट्री से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम उसमें दखलंदाजी मत करो। जाते जाते मेरी भी एक बात सुन लीजिए, ये स्कूल मैंने रोजगार के लिए शुरू किया था, लेकिन इससे अगर कुछ बच्चों की जिंदगी संवर सकती है तो ये मेरा सौभाग्य है। देखो सुधा, मैं तो सबर कर लूंगा, लेकिन दुबे और उसके आदमी अपनी बात अच्छी तरह से मनवाना जानते हैं। बोलिए। मैनेजर साहब, लोन दिलाने का वादा किए आज आपको पूरा एक महीना हो गया है, और इस महीने में मेरा ये 5वां चक्कर है, आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? सुधा जी, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, और आप है कि जानते बूझते हुए अनजान बन रही हैं। अनजान मैं नहीं, आप बन रहे हैं। पहले तो माना कि कागज पूरे नहीं थे, अब कागज पूरे हैं तो आपके पास फंड्स नहीं है, आखिर इस सबका मतलब क्या है? हजार परेशानियां होती हैं, सिर्फ आप ही का काम तो नहीं है, मेरे पास सैकड़ों फाइलें देखनी पड़ती हैं। तो मैनेजर साहब, हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है कि आप ही के पास चक्कर काटते रहें। पहले तो लोन ले जाते हैं, फिर लौटाने का नाम नहीं। ये देखिए, देखिए ये फाइल देखिए, एक भी किस्त नहीं आई है अब तक। तो कार्यवाही कीजिए। लेकिन कार्यवाही तो आप करेंगे नहीं, आप तो उन्हीं को लोन देंगे जो आपके खास है, फिर वो क्यों लौटाएंगे?
देखिए, आपको इस तरह मेरे ऊपर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इन लोगों के लिए आप क्यों इतनी भागदौड़ कर रही है? क्योंकि इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। मिस्टर शर्मा, लोन की मंजूरी के लिए अगर मुझे आपके मिस्टर मेहरा से भी मिलना पड़ा तो मैं मिलूंगी और इन लोगों को इनका हक दिलवा कर रहूंगी। हम भी देखते हैं कि लोन कैसे पास नहीं होता, कोई मजाक है? और आपके इस रवैये के गवाह होंगे ये सारे लोग। देखिए, मैं आपको लोन देने से मना नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ऑफिशियल काम काज में थोड़ी बहुत देरी तो लग ही जाती है। अच्छा, लाइए फॉर्म लाइए। ठीक है, आप लोग कल 12 बजे तक आकर पैसे ले जाइएगा। कहो भूषण भैया, आज तो बहन जी ने कमाल कर दिया। घड़ी भर को तो लगा कि वो मैनेजर सब किए कराए पर पानी फेर देगा। हाँ भैया, सरकार की योजना बना करे पर रोड़ा अटकाने वाले हमेशा आगे आगे। वो तो सही है, पर हमें योजना के बारे में कहाँ मालूम था। बहन जी न बताती तो बीच में ही पैसा गायब हो जाता। अरे भाई, बहन जी की बात और है, वो पढ़ी लिखी है। सही बात है। क्यों भाई भूषण, तेरी कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ भैया, अब बहन जी की कहानी तो हम सभी जानते ही हैं, कैसी कैसी मुसीबतों से गुजरी हैं, पर अब भगवान के आशीर्वाद से खुद मुख्तार हैं। बेटी का, अपना और अब तो हम सभी का बोझ अकेले ही उठाए हैं। एक ही ताकत थी उनके पास, उनकी पढ़ाई लिखाई और हिम्मत। आज तो बहुत समझदारी की बातें कर रहा है अब्दुल, पर कहीं दुबे जी फिर धमकाने आ गए तो? अब हम डरने वाले नहीं हैं, हम सब मिल के उनका मुकाबला कर सकते हैं। और क्या, एकजुट हो गए तो मैनेजर साहब को फिट कर दिया, अब तो दुबे जी, विक्की और ठाकुर साहब भी आ जाएं तो भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। अब इस चहलकदमी से क्या फायदा, जो होना था सो तो हो ही गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वाह, दोष बस्ती वालों का और गुस्सा मुझ पर। धोबी से ना जीतो तो गधे के कानों में ठो। वाह, खूब अच्छा पहचाना अपने आपको। जुबान संभाल कर बात करो दुबे, इतने सालों की दोस्ती को भी इसी दोस्ती ने तो बर्बाद कर दिया मुझे। वो कैसे? तुम्हारी बीवी की वजह से। सुधा को बीच में क्यों घसीटते हो? तुम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बैंक मैनेजर मेरी मुट्ठी में है, मैं लोन सैंक्शन नहीं होने दूंगा। वो तो मैं बहुत से तीर छोड़ सकता था, लेकिन सुधा की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए थे, वरना मैं तो मरने मारने पर उतर आता। बड़ी बड़ी बातों में कुछ खर्च नहीं होता दुबे। यहाँ हमारी ऐसी की तैसी हुई पड़ी है, वहां लड्डू बट रहे होंगे, जश्न मनाया जा रहा होगा। पहला काम है हमारे लूम का आपके लिए। ये
ये तो बहुत सुंदर है। अब जैसा भी है ये पहला पीस है जो हमारी मेहनत का है, हमारा है। अरे हरी, तू वहां कहां रुक गया? देखो भाई, भूषण के अपने लूम का पहला पीस। कितना अच्छा बनाया। यहां खड़ा क्या शर्मा रहा है? चल, ये शर्माने की जगह नहीं है, पढ़ने लिखने की जगह है। बहन जी, ये हरी भी अब आपके पास पढ़ने लिखने आया करेगा, पढ़ाई के बाद काम भी किया करेगा, लेकिन पहले आप इसे कुछ पढ़ा लिखा दीजिए, नहीं तो इसे लक्ष्मी से पढ़ना पड़ेगा।